नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात श्रीवास्तव प्रभात फिजिक्स फोरम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। हमने देखा था हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, इनके प्रकार को देख रहे थे। ये दो प्रकार के होते हैं, अचक्रीय यौगिक और चक्रीय यौगिक। अचक्रीय यौगिक को हम क्या बोलते हैं, खुली श्रृंखला यौगिक बोलते हैं, या फिर इसको हम बोलते हैं इसको हम एलिफैटिक यौगिक के नाम से भी जानते हैं। इन सब नामों से हम अचक्रीय यौगिक को जानते थे। फिर देखिएगा, अचक्रीय यौगिक आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है संतृप्त यौगिक कहलाता है, और दूसरा असंतृप्त यौगिक कहलाता है। आप ऐसे ही हाइड्रोकार्बन्स जब पढ़ेंगे तो वहां पे भी क्या हो जाएगा, सेम ऐसे ही क्रिया चलेगी, बस यौगिक के स्थान पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन्स हो जाएगा। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएंगे। तो संतृप्त यौगिक क्या होता है, या फिर संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, देखेंगे हम आज। हम पढ़ेंगे इन्हीं में, दोनों में अंतर पढ़ेंगे। आज से आपका समझ लीजिएगा आईयूपीएससी नेम का जो बेस है वो स्टार्ट हो गया है, और आप इसको वीडियो को लगातार देखते रहिएगा। तो देखिएगा यहां पर संतृप्त यौगिक हम बताए थे, संतृप्त यौगिक क्या होता है, और फिर क्या होता है असंतृप्त यौगिक। देखिएगा संतृप्त यौगिक क्या होता है, जिसमें एकल बंध पाया जाए संतृप्त यौगिक कहलाता है, और जो एल्केन होता है वो क्या होता है, संतृप्त यौगिक का एग्जाम्पल है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एल्केन हो जाएगा। तो कह सकते हैं हम आज पढ़ने वाले हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में अंतर पढ़ने वाले हैं, पेपर में ये भी आता है। एल्केन हो गया। असंतृप्त यौगिक में आपका दो आता है, असंतृप्त यौगिक में हम दो पढ़ेंगे, वो कौन सा चीज होता है, एल्कीन और एल्काइन होता है। एल्कीन और क्या हो जाएगा इसमें, एल्काइन हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपके असंतृप्त यौगिक हो जाएंगे। एक चार्ट के माध्यम से इसको सीखते हैं हम। देखिएगा एल्केन क्या होता है, एल्केन आप जानते हैं जिसमें क्या पाया जाए, एकल बंध पाया जाए, क्या कहलाएगा आपका। इसमें क्या होता है, सबसे पहला आप कह सकते हैं ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य क्या पाया जाए, एकल बंध पाया जाए, क्या कहलाएगा, एल्केन कहलाएगा। मेथीन इसका पहला सदस्य है। तो इसमें क्या होता है, एकल बंध पाए जाते हैं, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, एकल बंध पाए जाते हैं। एल्कीन में क्या होता है, इसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है, द्विबंध पाया जाता है। और एल्काइन में क्या होता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। इसमें एकल बंध पाया जाता है, एल्केन हो जाएगा। किसमें, कार्बन कार्बन के मध्य। इसमें देखिएगा कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध पाया जाता है, इसमें कार्बन कार्बन के मध्य क्या पाया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। देखिएगा फिर अगला है, कोई पूछता है इसकी देखिएगा कैसे पहचानेंगे, इसके लास्ट में क्या आएगा, एन आएगा। जैसे मेथेन है तो मेथेन को आप संधिविच्छेद करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, एन समूह आएगा। सेम इसमें क्या आएगा, ईन आएगा, और इसमें क्या आएगा, आइन आएगा। तो इसको पहचानने का तरीका है, इसके लास्ट में क्या आएगा, एन आएगा। एन कहां लगा होता है, पीछे लगा होता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं अनुलग्न। पहले लगा हो तो पूर्व लग्न, बाद में लगा हो तो क्या बोलते हैं, अनुलग्न। एन अनुलग्न लगा होता है। इसमें क्या होगा, इसमें ईन लगा रहेगा, ईन अनुलग्न लगा होता है। और इसमें क्या होता है,
इसमें लास्ट में आयन है तो क्या लिखेंगे आप, आयन अनुलग्न लगा होता है, फिर देखेंगे तीसरा अंतर क्या है इसमें विभेद में, तो तीसरा अंतर ये पाया जाता है इसमें आपका sp3 संकरण होता है, sp3 संकरण पाया जाता है, इसमें कौन सा संकरण पाया जाता है sp2 संकरण पाया जाता है, संकरण क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इसको हम फर्स्ट ईयर में एक बनाएंगे हाइब्रिडाइजेशन का, उसमें आप देख लीजिएगा, और इसमें ये आपका हो जाएगा sp संकरण होता है, फिर देखेंगे चौथा अंतर क्या है इसमें, इसका जो सूत्र होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सूत्र क्या है, इसका सूत्र है आपका CnH2n+2 होता है, इसका सूत्र हो जाएगा आपका CnH2n, इसमें दो हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे कम हो जाएंगे, देखिएगा CnH2n+2 इसमें दो हाइड्रोजन जब कम हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा CnH2n, देखिएगा दो माइनस हो गया, दो यहां पे नहीं लिखा गया है, फिर अगले में हो जाएगा दो और भी कम हो जाएंगे हाइड्रोजन CnH2n-2, दो हाइड्रोजन और भी कम हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। अगला अंतर क्या है, तो इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें एन समूह लगा होता है, sp3 संकरण पाया जाता है, इसका सूत्र CnH2n क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। देखिएगा ये क्या होता है अधिक अस्थाई होता है, और ये सारे ये दोनों क्या होते हैं इसकी तुलना में एल्केन की तुलना में कम अस्थाई होते हैं, तो सबसे ज्यादा अस्थाई कौन होता है एल्केन, उसके बाद फिर एल्कीन, उसके बाद क्या होता है एल्काइन, तो लिखेंगे यहां पर ये क्या होते हैं अधिक अस्थाई होते हैं, ये एल्केन की तुलना में कम अस्थाई होता है, और ये क्या होता है एल्केन की तुलना में दोनों से क्या होता है सबसे कम अस्थाई होता है, इन दोनों से क्या होगा कम अस्थाई होगा। तो क्या होता है इसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, एकल बंध पाया जाता है, इसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, इसमें पहचानने का तरीका है, इसमें क्या होता है देखिएगा कहां पाया जाता है कार्बन, कोई पूछता है कहां कार्बन कार्बन के मध्य, ये इसमें देखिएगा अनुलग्न क्या लगा होता है एन लगा होता है, इसमें इन लगा होता है, इसमें क्या लगा होता है आयन लगा होता है, एन इन और आयन इंग्लिश में अधिकतर वर्ड हम भी इस्तेमाल करेंगे, एन ये हो जाएगा आपका इन यानी इन और वाई एनी क्या हो जाएगा आइन, आईपीसी नेम बनाएंगे तो इसका जो नेम है अधिकतर इंग्लिश में लिखेंगे, तो पहचानते रहिए ए एनी एन ई एनी इन और वाई एनी क्या हो जाएगा आइन। इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, और इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है sp हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, इसका सूत्र जो होता है CnH2n+2 होता है, इसका CnH2n होता है, इसका CnH2n-2 होता है, इसमें देखेंगे ये सबसे कम सबसे अधिक अस्थाई होता है, ये उससे कम और या फिर इससे कम अस्थाई होता है, तो ये एल्केन एल्कीन एल्काइन में अंतर हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम पढ़ने वाले हैं कि एल्केन में रूट सिस्टम पढ़ेंगे और फिर बनाएंगे हम मेथेन एथेन प्रोपेन, कोई भी आपसे पूछता है आप तुरंत ही जवाब दे पाएंगे कि इसका नाम क्या है। तो एल्केन एल्कीन और एल्काइन में हमने अंतर देखा, तो इसी तीनों का इस्तेमाल करके जो आपका विशेषता है, वैसे तो कई सारी विशेषताएं हैं, हमने 5 लिखवाई हैं जिसमें से 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, एल्केन में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड पाया जाता है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो एल्केन में देखते हैं और एल्केन का हम नॉर्मल क्लीचर बनाते हैं, इससे पहले हम जान लेंगे रूट सिस्टम क्या होता है, जड़ तंत्र क्या होता है, इसी से क्या होता है सारा आपका सिस्टम का निर्माण होगा। हम बता चुके हैं आईपीएससी नेम आज ही से समझ लीजिए स्टार्ट हो गया है आपका, रूट सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं और रूट सिस्टम को आपको जानना जरूरी है, तो लगभग में हम आपको 10 रूट सिस्टम लिखवा देंगे, 10 रूट सिस्टम वैसे
इसी मैसेज घूम घुमा के आपको देता है। इस वैसे रूट सिस्टम काफी लंबा होता है, मगर हम 10 ही रूट सिस्टम पढ़ेंगे। वो 10 क्या होते हैं यहाँ देखेंगे हम। नंबर एक क्या है, एक पर आता है, यदि एक कार्बन होगा तो कहलाएगा मेथ। एक कार्बन से क्या बनता है, मेथ बनता है। दो कार्बन से क्या बनता है, एथ बनता है। तीन कार्बन से बनता है प्रोप। चार कार्बन से बनता है ब्यूट। पांच कार्बन से बनता है पेंट। छह कार्बन से हेक्स। सात कार्बन से आपका बनता है हेप्ट। आठ कार्बन से बनता है आक्ट। और नौ कार्बन से बनता है नोन। दस कार्बन से बनता है डेक। तो ये याद रखेंगे, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, आर्क, नोन और डेक, ये रूट सिस्टम है आपका। इसी से सारा आप आईपीएससी नेम बना लेंगे। कोई भी बच्चा जो आईपीएससी नेम नहीं जान रहा है, या फिर आप जान भी रहे होंगे, तो फिर से एक बार रिवाइज हो जाएगा आपका। तो हो जाएगा पेंट, ये हेक्स, ये आपका हेप्ट हो जाएगा, ये आपका ऑक्ट हो जाएगा, ये आपका नोन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका डेक। तो ये आपका रूट सिस्टम हो गया। इसी से क्या बनेगा आपका सारा आईपीएससी नेम बनेगा, ये आपका रूट सिस्टम हो जाएगा, इसका इस्तेमाल जरूर होगा। अब देखेंगे, एक कार्बन में आप मेथ लगाएंगे, दो कार्बन में एथ, तीन कार्बन में प्रोप, चार कार्बन में आपका ब्यूट लगेगा, पांच कार्बन में पेंट, छह कार्बन में हेक्स, सात कार्बन में आपका हेप्ट, आठ कार्बन में आर्क, नौ कार्बन में नोन और दस कार्बन में डेक का इस्तेमाल होगा। अब दस से ज्यादा आता नहीं है, इसको आप नोट कर लेंगे कहीं। हम पहले पढ़ना है मेथेन, पहले एल्केन समूह के बारे में पढ़ना है, तो यहां डालते हैं एल्केन। लास्ट में आप देख लिए होंगे क्या आता है, एन आता है। तो हम इसमें मेन चीजें क्या थी, इसके लास्ट में एन आता है, अनुलग्न एन लगता है। और क्या होता है इसमें, इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, CnH2n+2 होता है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसमें बॉन्ड कौन सा आता है, इसमें बॉन्ड आता है सिंगल बॉन्ड आता है। तो इसकी तीन प्रॉपर्टीज को ध्यान रखते हुए फिर आगे हम बनाते हैं। तो हम जानते हैं, यदि एक कार्बन होगा तो क्या बनेगा, मेथ बनेगा। तो पहला आपका जो यौगिक होगा वो क्या हो जाएगा, आपका मेथ हो जाएगा। और इसमें लगाएंगे क्या, अनुलग्न एन लगाएंगे, तो हो जाएगा ये चीज मेथेन हो जाएगा। जब एन इसमें जोड़ेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथ प्लस एन बराबर मेथेन हो जाएगा नाम। मीथेन हो गया। हम देखेंगे फिर इसका, देखिएगा सी, इसमें देखिएगा एक कार्बन होता है, और जानते हैं कार्बन की संयोजकता चार होती है, जिस कारण इसमें बॉन्ड कितने होंगे, चार लगेंगे। हाइड्रोजन देखिएगा, बाकी इनमें क्या लग जाएगा आपका, हाइड्रोजन लग जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका, हाइड्रोकार्बन बन गया। एक कार्बन है, इसके चारों ओर क्या लग गया आपका, हाइड्रोजन लग गया। कितने कार्बन है, सी एक है, एच कितना है यहां से, तो एच आपका है 4। अब क्या देखेंगे, क्या इसमें इसका नाम क्या हो गया, तब इसका नाम हो गया मेथेन का सूत्र हो गया CH4 रख दिया जाएगा। इस सूत्र में आप उठा के रखेंगे, N बराबर 1 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन का इस्तेमाल किया गया है। एक N बराबर 1 रखेंगे तो 1C1, H कितना हो जाएगा, N बराबर रखेंगे 1, तो 2 1 2 और प्लस 2 2 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो CnH कितना हो जाएगा, 2 और 2 4, CnH4 हो जाएगा आपका, वही चीज आपका आ गया। अगला देखते हैं, चाहे आप इससे निकाल लें, चाहे आप इससे देखें सूत्र से निकाल लें। तो सूत्र ना रटिए, सीधे सीधे ऐसे बनाते रहिए, रटने पे हम जोर नहीं देते हैं। मेथेन हो गया, ये आपका हो जाएगा एथेन हो जाएगा।
एथेन में क्या होगा आपका, इसका सूत्र पे रखेंगे तो C देखिएगा कितना आएगा, C N बराबर 2 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, H यहाँ पे N बराबर 2 रखेंगे तो 2 दुनी 4 और 2 6 हो जाएगा, C2H6 हो जाएगा। और इसमें देखेंगे जब C 2 है तो देखिएगा C और C इसके बीच में बॉन्ड कैसा रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा। और आप जानते हैं कार्बन की बैलेंसी 4 होती है, इस कारण यहाँ पे हम बॉन्ड कितना लगाएंगे, 4 1 2 3 और 4। यहाँ पे देखेंगे 1 ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और बाकी सबसे आप हाइड्रोजन से जोड़ दीजिए, हाइड्रोजन से हमने जोड़ दिया, ये आपका क्या हो गया, एथेन हो गया। C कितना है, 2 है, गिन लेंगे यहाँ से 1 2 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 आपके हाइड्रोजन है, ये आपका एथेन हो गया। जिसको अभी नहीं आ रहा हो कार्बन है या हाइड्रोजन है, ये एक बार सीरीज जाके 1 से 30 तक आप याद कर लीजिएगा। ऐसे देखिएगा मेथेन एथेन, अगला क्या हो जाएगा आपका, प्रोपेन हो जाएगा, प्रोपेन हो गया, सूत्र क्या हो जाएगा इसका, इसमें देखिएगा कितने कार्बन रहेंगे, 3 कार्बन रहेंगे, यहाँ पे हम बना देते हैं तो 1 2 और 3, 3 कार्बन हो गए, बाकी इसमें आप जानते हैं 4 बॉन्ड होते हैं तो 1 2 3 4 इसका भी हो गया, इसका गिनेंगे तो 1 2 3 4, यहाँ देखेंगे तो 1 2 3 और 4, 4 बॉन्ड हो गए, बाकी सबसे आप हाइड्रोजन से ऐड करा दीजिए। कितने हो गए, 3 ऊपर 3 नीचे 6 7 1 8, तो यहाँ पे कितना हो गया C3H कितना हो गया 8, यहाँ रखेंगे तो C3 हो गया और 3 2 6 6 और 7 और 8, ये आपका 8 आ जाएगा, सूत्र में रखने पे भी आ जाएगा। एल्कीन हो गया, सेम ऐसे ही बनेगा, एल्कीन का बनेगा, एल्कीन इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज हम बताए थे, इसमें क्या आता है, डबल बॉन्ड का इस्तेमाल करते हैं हम। दूसरा इसकी प्रॉपर्टीज लिखते हैं कि इसमें लास्ट में क्या आता है, इन समूह आता है। और इसका तीसरी प्रॉपर्टीज क्या लिख सकते हैं, इसका जो सूत्र होता है CnH2n होता है, इसमें पुट करेंगे और देखेंगे यहां पर ये आप SO1 रखेंगे, देखेंगे प्रोपेन हो गया, सेम ऐसे आप बनाते जाएंगे, बाकी जितना हम छोड़ दिए हैं आप लोग बना के देखिएगा, और नहीं जान पाए कमेंट करिएगा, बता देंगे आपको हम। ऐसे ही ब्यूट हो गया, इसमें एन लगेंगे, ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन ऑक्टेन नोनेन और डेकेन आपका बन जाएगा। यहाँ देखेंगे हम एल्कीन में, एल्कीन में पहला है आपका, पहला आपका देखिएगा एलिमेंट होता क्या है, मेथ होता है, लेकिन यहाँ पे हम पढ़े हैं कि इसके कार्बन कार्बन के मध्य में डबल बांड आना चाहिए, तो यहाँ ऐसा कोई ऐसा चीज़ सिस्टम नहीं है जिससे डबल बांड हम दिखा सकें, तो इसीलिए पहला वाला हम तत्व को नहीं लेते हैं, यानी एक कार्बन को नहीं लेते हैं। कितने कार्बन होना जरूरी है, 2 कार्बन का होना जरूरी है, तो यहाँ पे हम दिखाएंगे कितने कार्बन को, 2 कार्बन को दिखाएंगे। जब 2 कार्बन को दिखाएंगे तो वो मेथ ना हो करके क्या हो जाएगा, एथ हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं हम, तो पहला क्या बनेगा आपका, मेथीन नहीं बनता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, क्या बनता है, एथीन बनेगा, एथ हो जाएगा, और एथ में क्या लगाएंगे आप, इन समूह लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा। एथीन हो गया, अब जानते हैं आप कार्बन कार्बन के मध्य में देखो एथ दूसरे नंबर पे आता है, ध्यान रखेंगे एथ दूसरे नंबर पे आता है, 2 कार्बन है तो एथ हो गया, तो 2 कार्बन यहां लगाएंगे एथ में, 2 कार्बन हो गया। अब देखिएगा कार्बन से ही डबल बॉन्ड हो गया और 2 बॉन्ड और लगा देंगे, कितने बॉन्ड हो गए, 4 बॉन्ड हो गए। सेम यहाँ कार्बन है, 1 2 बॉन्ड हुआ, 3 और ये 4 बॉन्ड हो गया। अब बाकी सबसे आप हाइड्रोजन को अटैच करा दीजिए, ये हाइड्रोजन को हमने लगा दिया। अब यहाँ पे देखिएगा कितने कार्बन हैं, तो सी कितने हैं आपके, सी आपके 1 2 2 सी हैं, और हाइड्रोजन कितने हैं, एच आपके 4 हैं। यदि आप फार्मूले में पुट करते हैं तो फार्मूले में देखिएगा एन बराबर 2 पुट करेंगे, क्योंकि 1 का हमने इस्तेमाल नहीं किया है, 2 से इस्तेमाल करेंगे, एथीन प्रोपीन ब्यूटीन पेंटीन हेक्सीन एक्टीन जो भी ये आपका बनता चला जाएगा, एन बराबर 2 रखेंगे तो सी 2 हो गया, एच कितना हो जाएगा, 2 2 4 हो गया, तो यहाँ पे 4 सी 2 एच एच 4 हो जाएगा इसका फार्मूला। अगला नेक्स्ट है एथीन हो गया, एथीन के बाद क्या आता है, प्रोप आता है, मेथ एथ प्रोप, तो रखेंगे यहाँ पे प्रोप, और प्रोप में क्या लगाएंगे लास्ट में, इन लगाएंगे, ध्यान रखिएगा, तो इन हो गया, प्रोपीन नाम हो गया इसका।
अब प्रोपीन हो गया, अब चाहे सूत्र में रख दीजिए चाहे ऐसे निकाल लीजिए। देखिएगा सूत्र में रखेंगे तो कितना होगा, सी सी कितने होंगे, तीन है तो सी थ्री हो जाएगा, एच कितना हो जाएगा आपका, तीन दुनी छ, तो यहां पर लिखेंगे छ। अब यहां पर बनाते हैं, तो किसी एक कार्बन कार्बन के मध्य में आप डबल बॉन्ड लगाएंगे और बाकी सब में आप क्या दिखा देंगे, सिंगल बॉन्ड दिखा देंगे। यदि कोई पूछता है आपसे कि सिर्फ एक ही में क्यों लगाते हैं, सब में क्यों नहीं लगाएंगे, तो आप लगा सकते हैं, सब में लगा सकते हैं, लेकिन उसका नाम फिर हम आईपीएससी नेम से बनाएंगे, आगे चल करके उसको भी सिखाएंगे कि यदि एक के बजाय दो आ जाए या तीन आ जाए या एक ही में आपका डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सब प्रयोग हो रहा हो तो उसका आईपीएससी नेम क्या होगा या उसका नामकरण हम कैसे करेंगे, सारा हम सीखते हुए चलेंगे। तो यहाँ देखेंगे हम किसी तो कार्बन कार्बन के मध्य में हम क्या लगा देंगे, डबल बॉन्ड लगा देंगे और अगला तीसरा जो कार्बन है उसमें हम सिंगल बॉन्ड लगा देंगे, चाहे फर्स्ट में या फिर आप लास्ट में डबल बॉन्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, नेम आपका प्रोपीन ही होगा। अब देखेंगे यहाँ पर, आप जानते हैं कार्बन की बैलेंसी फोर होती है तो फोर बॉन्ड्स भी बनेंगे, वन टू थ्री और फोर, यहाँ देखिएगा वन टू थ्री, ये आपका फोर हो गया। इस कार्बन को चेक करेंगे तो वन टू थ्री और फोर हो गया, ये इस प्रकार हो जाएगा। बाकी सबसे आप हाइड्रोजन को अटैच करा दीजिए, जब अटैच कराएंगे तो नाम क्या हो जाएगा, वन टू थ्री, थ्री कार्बन हो गया, चेक कर लेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स हाइड्रोजन हो गए, तो ये क्या हो जाएगा, सी थ्री एस सिक्स। कोई पूछता है सी थ्री एस सिक्स क्या है, तो सी थ्री एस सिक्स आपका क्या है, प्रोपीन है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ऐसे ही आप बनाते जाएंगे प्रोपीन, फिर ब्यूटीन, पेंटीन, देखेंगे यहाँ पे बनाते हैं, एक और बना लेते हैं, तीसरा है आपका प्रोपीन हो गया, फिर अगला हो गया ब्यूट है, तो यहाँ लिखेंगे हम क्या, ब्यूटीन हो जाएगा, ब्यूट हो जाएगा, इसमें लगाएंगे क्या लास्ट में, इन लगाएंगे तो हो जाएगा इसका नाम ब्यूटीन हो जाएगा। कितने कार्बन है, तो ब्यूट में आप जानते हैं, आप ये नहीं देखेंगे कि एक दो तीन, तीन कार्बन हुआ, ऐसा नहीं देखेंगे, आप यहाँ से चेक करेंगे मेथ एथ प्रो ब्यूट, चार कार्बन हुए, कितने कार्बन हुए, चार, तो यहाँ पे चार कार्बन लिखेंगे। पहले वाले कार्बन कार्बन के मध्य में हम डबल बॉन्ड लगा दे रहे हैं, बाकी सिर्फ कार्बन में क्या कर रहे हैं, सिंगल बॉन्ड लगा रहे हैं, ये डबल बॉन्ड लगा देते हैं बीच में, तब वो आईपीएससी नेम से आपका नामकरण होगा, उसका नाम हम बताएंगे आगे कैसे होगा। तो एक देखिएगा, दो कार्बन कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड, बाकी सब में हम सिंगल बॉन्ड लगा दिए हैं। देखिएगा इस कार्बन में डबल बॉन्ड हो गया, देखिएगा दो बॉन्ड पहले से हो गया, तीन और चार, यहाँ देखिएगा एक दो तीन, एक चार, यहाँ पे एक दो तीन और चार, यहाँ देखिएगा एक दो तीन और चार, ये आपका हो गया। बाकी सबसे आप हाइड्रोजन को अटैच करा दीजिए, हाइड्रोजन लगा दे रहे हैं सब में। अब इसका नाम क्या हो गया, कितने हैं, सी चार हैं, यहाँ पे देखते हैं, पहले सूत्र में रखते हैं, तो सी एन एच टू एन, जितना है कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन हो जाएगा, इसका मतलब चार कार्बन है तो चार दुनी आठ आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। चेक करते हैं इसको, इसका सूत्र ये हो गया ब्यूटीन का। अब देखते हैं यहाँ से एक दो तीन चार, चार कार्बन है, हाँ है आपका, एक दो तीन, तीन हाइड्रोजन हो गया, चार पाँच छः सात और आठ, आपका आठ हाइड्रोजन हो गया, ये आपका क्या हो गया, ब्यूटीन हो गया। सेम ऐसे ही आप पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोरीन और डेकीन को बनाइएगा। अब बनाएंगे हम जानते हैं, फिर इसको हम इरेज कर रहे हैं। अब ये रूट सिस्टम ध्यान रखिएगा, हम एथीन से ही बनाएंगे क्योंकि अब कार्बन कार्बन के मध्य में क्या आने वाला है, ट्रिपल बॉन्ड आने वाला है, तो ध्यान रखेंगे हम ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे अब की बार, तो इसको इरेज कर दे रहे हैं हम, और इसको याद कर लीजिएगा आप, दस तो याद ही कर रही है डेकीन तक, एक से तीस तक आपको नहीं आता है, तो एक से तीस तक आप परमाणुओं के नाम, एटम्स के नाम याद कर लीजिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, ऐसे करके। ये आपका एल्कीन हो गया, अगला है आपका एल्काइन है। प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, इसमें कार्बन कार्बन के मध्य में क्या आता है, ट्रिपल बॉन्ड आता है, और इसमें क्या आता है, आइन आता है लास्ट में, और इसमें लास्ट में क्या आएगा, इसका सूत्र क्या होगा, सी एन एच टू एन माइनस टू हो जाता है। इतनी प्रॉपर्टीज को ध्यान रखेंगे, पहला आपका एलिमेंट क्या बनेगा, पहला आपका जो कंपाउंड है वो क्या क्रिएट होगा, से आपका मेथ था तो मेथ आपको बता चुके हैं, मेथ बनेगा नहीं क्योंकि कार्बन कार्बन के मध्य में क्या दिखाना है हमको, डबल ट्रिपल बॉन्ड दिखाना है, तो ट्रिपल बॉन्ड हम दिखा नहीं सकते हैं, इसमें हम सिंगल बॉन्ड दिखा रहे गए, सिंगल बॉन्ड आया, मगर आगे से आपका कार्बन कार्बन के मध्य में हमें डबल और ट्रिपल दिखाना है, तो ट्रिपल डबल का जब प्रयोग ही नहीं होगा तो आपका एल्कीन बनेगा नहीं, तो एल्कीन में क्या करेंगे हम, कार्बन कार्बन के मध्य में ट्रिपल बॉन्ड दिखाने के लिए कितने कार्बन की आवश्यकता होगी, अधिकतम दो कार्बन की आवश्यकता होगी, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे,
एथीन से स्टार्ट करेंगे, सॉरी एथ से स्टार्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा पहला एथ, और इसमें लास्ट में लगाते क्या है आइन लगाते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा एथ प्लस आइन बराबर क्या हो जाएगा एथाइन हो जाएगा। और इसका जो सूत्र होगा, सूत्र आप यहां से लिख सकते हैं, C देखिएगा N बराबर आपने 2 रखा है, देखिएगा दूसरे नंबर कार्बन से स्टार्ट किए क्योंकि एथ सेकेंड नंबर कार्बन पे है, तो यहां रखेंगे C2, H कितना हो जाएगा 2 रखेंगे यहां पे, 2 2 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, C2H2 किसका फार्मूला हो जाएगा एथाइन का सूत्र हो जाएगा। यहां पे लिखते हैं हम C कितने हैं 2 हैं, तो C लिखते हैं 2, और इसमें बीच में ये लगाएंगे क्या ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे C ट्रिपल बॉन्ड C। अब देखिएगा बाकी आप जानते हैं कार्बन की बैलेंसी 4 होती है, इसीलिए बॉन्ड कितने लगेंगे, बॉन्ड भी 4 होंगे, तो 1 2 3 और इस कार्बन का एक यहां लगा देते हैं 4, इस कार्बन से गिनेंगे तो 1 2 3 और एक बॉन्ड यहां लगा देते हैं 4, देखेंगे बाकी एक एक बॉन्ड खाली है उसमें आप हाइड्रोजन को ऐड कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका C2, हाइड्रोजन कितना है H है 2 बार है, तो C2H2 इसका सूत्र हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका एथ हो गया मेथ एथ, फिर अगला क्या आता है प्रोप आता है, तो प्रोप लिखेंगे प्रोप, और लास्ट में लगाएंगे क्या आइन लगाएंगे, तो नाम क्या हो जाएगा इसका प्रोपाइन नाम हो जाएगा। प्रोप लिखने के बाद वाई एन ई जोड़ दीजिएगा प्रोपाइन। अब देखेंगे यहां पर भी कितनी कार्बन है, 3 कार्बन है 1 2 और 3, किन्हीं 2 कार्बन के बीच मध्य में आप ट्रिपल बॉन्ड दिखा दीजिएगा, बाकी सब में आप सिंगल बॉन्ड दिखा दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, तो इस कार्बन का गिनेंगे 1 2 3 और ये 4, यहां का गिनेंगे 1 2 3 ये 4, ये कंप्लीट है, इसमें कोई भी हाइड्रोजन या कोई भी बॉन्ड वगैरह नहीं लगेगा। इसमें देखेंगे 1 2 3 और 4 हो गया, हाइड्रोजन को आप ऐड कराते चले जाइए। अब देखेंगे यहां पर इसका फार्मूला कितना हो जाएगा, इसका देखिए 3 कार्बन है तो लिखेंगे यहाँ पे C3, H कितना है 1 2 3 और 4 है, तो H क्या लिखेंगे आप 4। अब क्या चेक करते हैं क्या इस फार्मूले में C3H4 सही है कि नहीं सही बैठ रहा है, देखते हैं यहाँ पे N बराबर कितना रखना है हमको 3 रखना है, प्रोप 3rd नंबर पे आता है, मेथ हेथ प्रोप 3 नंबर पे आता है, तो N बराबर 3 हो जाएगा, C3 सही है आपका। H कितना हो जाएगा 3 2 6 में से 2 गया 4, आप जान रहे हैं 6 में से 2 गया 4, यहाँ पे 3 रखेंगे 3 2 6 हो जाएगा और 6 में से 2 गया 4, ये आपका C3H4। कोई पूछता है C3H4 क्या है, तो आप बता देंगे प्रोपाइन है, आगे से आप गलती नहीं करेंगे, कोई भी पूछेगा आपसे CH4 क्या है मेथेन है, आपसे कोई पूछा कि C3H6 क्या है तो प्रोपीन है, आप समझ जाइएगा C3H4 क्या है, आप जान जाएंगे क्या है ये प्रोपाइन है। अगला क्या है आपका तीसरा, एक और बना लेते हैं, प्रोप हो गया आपका, अगला मान लेते हैं ब्यूट है, कितने नंबर कार्बन है ब्यूट का, जो रूट सिस्टम रिक्वायर है कितने नंबर पे है 4th नंबर पे है, तो ब्यूट हो गया, और इसमें लगाएंगे क्या लास्ट में आप आइन लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा ब्यूटाइन नाम हो जाएगा इसका। ब्यूटाइन नाम हो जाएगा, और इसमें कार्बन कितने हैं, इसमें कार्बन है आपके 4, 1 2 3 और 4, कितनी 2 कार्बन कार्बन के मध्य में आप ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे, तो लगा देते हैं 1 2 और 3, बाकी सब में आप सिंगल कर लीजिएगा। अब यहाँ पे लिखते हैं देखिएगा कार्बन को चेक करते हैं, कार्बन की बैलेंसी 4 होती है, संयुक्तता 4 होती है, तो संयुक्तता भी नहीं आ रहा होगा आपको, तो हम फर्स्ट ईयर में पढ़ाएंगे, तो फर्स्ट ईयर में बता देंगे संयुक्तता क्या होता है, कई सारी चीज़ें फर्स्ट ईयर में आपकी हैं जो कि हाई स्कूल की चीज़ें हैं, वो सारे वर्ड्स आप समझ जाएंगे कि होता क्या है। तो देखिएगा 4 बैलेंसी होती है, 1 2 3 4, तो 4 हो जाएगी, इस कार्बन का चेक करेंगे 1 2, फिर ये 3, फिर ये 4, इस कार्बन का चेक करेंगे 1 2 3 1 4 और इस कार्बन का 1, बाकी सब में आप हाइड्रोजन को आप लगा दीजिए, कितने कार्बन है 1 2 3 और 4, यहाँ लिखेंगे C4, H कितने हैं H यहाँ लिख दीजिए, देखिएगा 2 ऊपर 2 नीचे 4, 1 5 1 6, चेक करेंगे सूत्र में रखें क्या ये सही है हमारा, तो रखेंगे तो n बराबर 4 रखेंगे तो 4 सही है, 4 2 जा 8, 8 में से 2 गया कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया ब्यूटाइन हो गया, ऐसे ही ब्यूटाइन हो गया। आगे आप कर सकते हैं पेंटाइन हो जाएगा, फिर अगला हेक्साइन हो जाएगा, हेप्टाइन हो जाएगा, ऑक्टाइन हो जाएगा, नोनाइन, फिर डेकाइन, ऐसे आपका बनता हुआ चला जाएगा। तो 10ों को आप बनाइएगा, आपको हम 3 2 या 3 करवाए हैं, बाकी सारा आप बनाएंगे हम जानते हैं,
अगला जो वीडियो आएगा वो आईपीएससी नेम से, मतलब पहले मूलक क्या होता है मूलक पढ़ेंगे हम लोग, और जो आपका क्रियात्मक समूह है ये क्या होता है इसको पढ़ेंगे, और आगे से आईपीएससी नेम जो भी है इसका नियम पढ़ेंगे, उसके बाद आईपीएससी नेम बड़े ही आराम से करते चलेंगे। इस दो वीडियो के माध्यम से आईपीएससी नेम पूरा सीख जाएंगे। धन्यवाद।